एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव सपोर्ट एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आई एम रितिक, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो हार्ड गेनर्स हैं, साइज गेन करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं और अपने मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं तेजी से, क्योंकि मस्कुलर लुक सभी को चाहिए। लेकिन मस्कुलर लुक भी तभी अच्छा लगता है जब आपका मसल साइज ज्यादा हो, मसल मास ज्यादा हो। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना फुल डे ऑफ ईटिंग इन अ डे फॉर मसल साइज एंड स्ट्रेंथ, और साथ में आपके साथ भी शेयर भी करूंगा आपके साथ सभी अपनी मील्स की प्रिपरेशंस। मैं दिन में अपने कंज्यूम करूंगा 5 मील्स और सभी बहुत बहुत इजी है बनाने में। आप इन्हें इजीली मेरे साथ साथ बनाना और ये आपको बहुत बहुत टेस्टी लगने वाली है। तो चलिए एंजॉय कीजिए अपनी मसल गेनिंग वेट गेनिंग जर्नी को। लेकिन इससे पहले अगर आप एक नए व्यूअर हो तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए। और साथ में बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, जिससे आप मेरी कोई भी फ्यूचर जेन्युइन वीडियो मिस नहीं करोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर फुल डे ऑफ ईटिंग ब्लॉग फॉर गेनिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ मैं जाता हूँ मॉर्निंग में जिम, तो बेसिकली मैं उठ के पहले फ्रेश होता हूँ और इसके बाद मैं बनाता हूँ अपना प्री वर्कआउट मील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मील, क्योंकि हमारे प्री वर्कआउट मील पर डिपेंड करती है हमारी स्ट्रेंथ और मसल फुलनेस। प्री वर्कआउट मील के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है 1 स्कूप वे प्रोटीन, 1 स्पून दालचीनी पाउडर, शुगर फ्री मसाला ए मैजिक एंड कुक्ड राइस। मैं मम्मा से रात को कुक करवा के रख लेता हूँ बल्क में राइस को, आप भी ऐसे ही बल्क में बनवा के रख लेना, क्योंकि राइस हम अपनी 4 मील्स में कंज्यूम करेंगे। नाउ हम 400 ग्राम राइस लेंगे, उसकी स्मूदी बनाएंगे, हाई प्रोटीन स्मूदी। तो इस जार में एक बार में नहीं बनेगी, तो मैं 200 ग्राम करके हाफ हाफ स्पून वे प्रोटीन ऐड करके 2 बार में बनाऊंगा। तो मैं यार राइस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये क्विक एंड इजी टू डाइजेस्ट फूड होता है, आपके स्टमक पर हैवी फील नहीं होता और 40-60 मिनट में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो यही तो हमें चाहिए, वर्कआउट स्टार्ट होने से पहले हमारी बॉडी अच्छे से फुल हो जाए प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से, जिससे हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ मिले और आप हैवी और इंटेंस ट्रेन कर पाओ जिम में। और साथ में हम 100 ग्राम राइस अलग से खाएंगे मसाला ए मैजिक डालकर। बिलीव मी गाइस, आपको ये दोनों बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। मसाला ए मैजिक से आपकी बॉडी, आपके मसल्स को सोडियम मिल जाएगा यानी सॉल्ट, जिससे आपके मसल्स फुल फील होंगे, अच्छा पंप मिलेगा आपको वर्कआउट के दौरान। तो मैं वर्कआउट से पहले यही खा कर जाता हूँ और आप देखना मुझे कितना अच्छा मसल पंप मिलेगा। इस मील के मैक्रोज हैं 35 ग्राम प्रोटीन, 140 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एंड 2 ग्राम फैट्स, 720 कैलोरीज। ईट लाइक अ प्रो एंड ग्रो लाइक अ चैंप। Now, all set to train hard and intense. चलते हैं जिम। तो आज है मेरा पुल डे और मैं ट्रेन कर रहा हूँ बैक, ट्रैप्स एंड बाइसेप्स।
वर्कआउट फिनिश हो गया है एंड यू कैन सी द मसल पंप. दिस इज इनसेन. नाउ पैकअप करते हैं और चलते हैं वापस घर, और घर पर ही जाकर बनाएंगे अपनी पोस्ट वर्कआउट मील. यहाँ जिम में मैंने कोई शेक वगैरह नहीं पिया है बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी. हम घर जाकर खाएंगे अपनी पोस्ट वर्कआउट मील. तो मैं घर आ गया हूँ और पोस्ट वर्कआउट मील बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए वो है 5 egg whites, कुक्ड राइस, ओट्स या कोई भी सीरियल हो आपके पास वो भी ऐड कर सकते हो ओट्स के अंदर, 1 banana, कोको पाउडर, शुगर फ्री पाउडर, ग्रीन टी, वेज स्मूदी, मलाई निकला हुआ मिल्क. नाउ एग वाइट्स का ऑमलेट बनाएंगे और हम लेंगे यहाँ 400 ग्राम्स ऑफ राइस. ओट्स लेंगे हम 75 ग्राम इन टोटल. मैंने इसमें ओट्स, म्यूसली, कॉर्नफ्लेक्स तीनों ऐड किए हैं. तो इसमें हम मिल्क पोर करेंगे. देन 2 spoons ऑफ शुगर फ्री ऐड करेंगे. वन स्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे और 30 सेकंड के लिए ओवन में रख देंगे. इसमें अब 1 banana कट करके टॉप करेंगे. और दूसरी साइड हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है. इसको अब राइस बोल में ऐड कर देंगे और इसमें दही ऐड करेंगे 2 spoons और फिर स्पाइसेस ऐड कर देंगे. तो हमारी पोस्ट वर्कआउट मील रेडी है. इसके मैक्रोस हैं 40 ग्राम प्रोटीन, 190 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 8 ग्राम फैट्स, टोटल 1000 कैलोरीज. वेरी वेरी डिलीशियस एंड हेल्दी. आप हम पोस्ट वर्कआउट में सबसे ज़्यादा कैलोरीज वाली मील खा रहे हैं क्योंकि हमने अपने मसल्स को तेज़ी से रिकवर करना है, ग्रो करना है, रिफ्यूल करना है अपनी बॉडी को और अपने मसल्स को. नाउ हमारी थर्ड डिलीशियस मील ऑफ द डे लंच, जिसमें हम खाएंगे दाल रोटी, एग बिरयानी एंड माय फेवरेट कॉर्न्स. हम यहां लेंगे 1 big bowl अरहर या मसूर दाल, 250 ग्राम राइस, 2 corns, 2 rotis एंड 3 egg whites का ऑमलेट. नाउ हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है. इसको हम राइस में ऐड कर देंगे और इसमें दही एंड स्पाइसेस ऐड कर देंगे. वेरी वेरी डिलीशियस. आप इसे खा के इस एग बिरयानी के फैन हो जाओगे. अगर आपके पास कॉर्न्स अवेलेबल नहीं है तो आप 1 से 2 रोटी ऐड कर लेना इस मील के अंदर. इस मील के मैक्रोस हैं 40 ग्राम प्रोटीन, 180 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 8 ग्राम फैट्स, टोटल 950 कैलोरीज.
नाउ इट्स टाइम फॉर आवर मील नंबर 4 स्नैक्स, जो मैं पैक करके लेकर जाता हूँ अपने बिजनेस वर्कशॉप पर। तो स्नैक्स में हम लेंगे यहाँ 50 ग्राम रॉ कुक्ड सोया चंक्स, 2 व्हीट ब्रेड स्लाइस, 150 ग्राम राइस, 200 ml मलाई निकला हुआ मिल्क, 1 कप कॉर्नफ्लेक्स, लेमन, दही एंड स्पाइसेस। तो चलिए इसे बनाते हैं। सोया चंक मसाला राइस, ये मील बहुत कन्वीनियंट रहती है क्योंकि आप में से काफ़ी लोग इवनिंग में कहीं बाहर ही होते होंगे, तो आप इस मील को इजीली कैरी कर ले जा सकते हो टिफिन में पैक कर और कहीं भी इजीली खा सकते हो। इस मील के मैक्रोस हैं हमारे 38 ग्राम प्रोटीन, 110 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 400 ग्राम फैट्स, टोटल 630 कैलोरीज। नाउ मैं वापस आ गया हूँ घर और अब हम कंज्यूम करेंगे लास्ट मील ऑफ द डे डिनर, जिसमें हम खाने की बजाय पियेंगे क्योंकि दिन भर हमने इतना कुछ खा लिया है, तो अब हम अपने स्टमक को थोड़ा रिलीफ देंगे और अपने आप को भी। तो अब हम यहाँ पियेंगे वेज स्मूदी एंड चॉकलेट मिल्क शेक, वेरी वेरी इजी टू मेक। वेज स्मूदी के लिए आपके पास जो भी वेजिटेबल्स घर पर अवेलेबल हो आप वो ले लेना। मेरे पास यहाँ बीटरूट यानी चुकंदर और क्यूकम्बर अवेलेबल था तो मैंने ये ले लिया। और मिल्क शेक के लिए आपको चाहिए 1 स्कूप वे प्रोटीन, 3 स्लाइस व्हीट ब्रेड एंड 300 ml मिल्क। तो पहले हम बनाते हैं वेज स्मूदी और इसे पहले बनाते ही पी लेंगे हम, जिससे फिर हम मिल्क शेक को आराम से बैठ के सुकून से एंजॉय कर पाएंगे और एक साथ इतना सारा लिक्विड पीना ज्यादा भी नहीं लगेगा आपको। तो वेज स्मूदी पी ली है मैंने अब बनाने के बाद, अब हम बनाएंगे अपना वेरी वेरी डिलीशियस चॉकलेट मिल्क शेक। तो पहले हम 300 ml मिल्क ऐड करेंगे, देन इसमें 3 ब्रेड स्लाइस ऐड कर देंगे एंड लास्ट में इसमें वे प्रोटीन ऐड कर देंगे और आइस क्यूब्स और ब्लेंड कर देंगे। You can see very very delicious। अब इसको हम सुकून से बैठकर enjoy करेंगे अपनी last meal of the day को। इस meal के macros है हमारे 35 ग्राम protein, 60 ग्राम carbohydrates and 3 ग्राम fats, total 410 calories। अब कर लेते हैं थोड़ा बॉडी चेक। लोग सोचते हैं ऐसे एप्स को मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा नहीं खाते, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं कंज्यूम करते, वाइट राइस नहीं खाते, तो मेरे भाई लोगों देख लो आप, इतना सारा खाने के बाद भी, इतने सारे वाइट राइस खाने के बाद भी मेरे एप्स कहीं नहीं गए और जो मसल फुलनेस मिली है मुझे अनबिलीवेबल, यू कैन सी गाइस। तो ये थी मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग टू इंक्रीज मसल मास साइज एंड वेट। पूरे दिन में हमने कंज्यूम किए 680 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 190 ग्राम प्रोटीन एंड 25 ग्राम फैट्स, टोटल 3750 कैलोरीज। आप ये डाइट फॉलो करो ऑन डेली बेसिस और 7 दिनों के अंदर विद इन अ वीक आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ आपका वेट मसल मास दोनों ही तेजी से ग्रो होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। यू गाइस विल थैंक मी आफ्टर गेटिंग रिजल्ट्स। आपको जब डिफरेंस फील हो जाए तो आप यहाँ वापस आके लाइक जरूर कर देना वीडियो को।
चैनल का नेम है बी फिट विद रितिक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगती है यार ऐसे वीडियोस बनाने के लिए सोलो हैंड, जिसमें रिकॉर्डिंग एडिटिंग सब कुछ खुद करना है, कैलकुलेशन वगैरह सब खुद करना है। विश योर सपोर्ट टू ग्रो माई चैनल और टू प्रमोट अ हेल्दी लाइफस्टाइल नेचुरली विदाउट यूजिंग ड्रग्स और स्टेरॉइड्स। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ऑलवेज फिट विद मी गाइस, मच लव।